Teşekkür ederim. Thank you.
ਚਾਰ ਰਸਤੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਰੰਜਨ ਸਾਹੂ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਜਨ ਸਾਹੂ ਫਸਟ ਨੇਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਹੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹੂ ਹੈ ਆ ਰੰਜਨ ਸਾਹੂ ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਜਨ आणि गोलंदाजी मार करती यावेळी बॅटच्या हलकेची कडा आणि त्यावरती घेतलेली सिंगल आणि मिसफील्ड होते या ठिकाणी आणि पाता पाता घेतलेल्या दोन धावा तिसरीचाही प्रयत्न होतोय आणि अतिशय आरामात घेतलेल्या तीन धावा Oh!
या तीन धावांच्या मदतीने धावपळीकावरती धावा त्या 15 आणि बाईच्या स्वरूपात मिळालेला हा चौकार चौकारांनी धावसंख्या वाढते धावसंख्या लिहिते 19 या ठिकाणी आपण पाहतोय www.चौकाडाटींच्या माध्यमातून या स्पर्धेचे थेट प्रक्षेपण तब्बल 192 देशामध्ये करण्यात येत आहे. तर आज काहीसा बदल या ठिकाणी आपल्याला पाहावयास मिळतोय. तर सर्वच आपण चौका टेनिस क्रिकेट यावेळी सुरेख चेंडू कोणतीही धाव नाही. तर आपण दररोज चौका टेनिस क्रिकेट या युट्यूब चॅनलवरती या स्पर्धेचा आनंद घेत होतो, परंतु आज क्रिक या चॅनलवरती या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण होणार आहे. थोड्याच वेळात लिंक आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यात येईल. पुढील चेंडू या षटकात सुरेख गोलंदाजी करतोय तो गोलंदाज नितेश. धावपळीकावरती धाव आहेत 19 षटक चालू होतो मैदानाच्या आतमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाचं सायकिनला असेल तो आणि सलगचे तीन चेंडू मुद्दा टाकतोय नितेश तोशी ओम याला. चेंडूचा आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. धावपळीकावरती धाव आहेत 19 आणि यावेळी मात्र फलंदाज त्रिपाची देतोय. ओम याला माघारी परतावं लागेल. ओम याने वैयक्तिक 14 चेंडूचा सामना केला, बनवला 6 धावा. स्वतःला बाद करतोय नितेश तोशी आणि आपल्या संघाला पहिला ब्रेकथ्रू मिळवून देण्यात यश आलंय. तर काहीशी खराब सुरुवात म्हणता येईल पीटीसी या संघाची. तर दुसरीकडे आपला कर्णधारने घेतलेला निर्णय साजेसा ठरवतात गोलंदाज नितेश तोशी. तर आता नवीन प्रेरणा मैदानाच्या आतमध्ये जाईल. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये उभा उतरतो रोहित कोकाटे. इस दरम्यान 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ. स्कोर बोर्ड पे रन लगे हैं 19, लॉस ऑफ 1 विकेट. तो चौथा ओवर लेके आने वाले गेंदबाज सेम बॉलर है क्या? बाहू फिर एक बार गेंदबाजी के लिए विश्वरंजन साहू. स्ट्राइकिंग पे अभी संदीप देसाई. इस बार विश्वरंजन साहू की गेंद के लिए अपील किया यहाँ पे और अंपायर ने आउट दिया. संदीप को वापिस आना पड़ेगा कॉट बिहाइंड पे आउट होते हुए. कीपर नेम प्लीज. कीपर का नाम बताइए.
विकेट कीपरचं नाव सांगा. नए बल्लेबाज अंदर जाते हुए अतुल भागवत एक अच्छी शुरुआत डैश बैक की टीम को. आप कीजिएगा मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया. डैश बैंक टीम की अच्छी शुरुआत. स्कोर कार्ड लॉस ऑफ टू विकेट 3.1 ओवर. इस बार स्ट्राइकिंग के नए बल्लेबाज अब्दुल भागवत. यहां पे अभी साझेदारी बनाने पड़ेंगी दोनों टीम को दोनों बल्लेबाजों को. बहुत बढ़िया है लाइन चेक करेंगे. दूसरी तरफ से पूरी जोश में नजर आती है डच बैंक की टीम. जो उत्साह सर्कल के प्लेयर में नजर आता हुआ वही उत्साह बॉडी लाइन पे खड़े हुए प्लेयर पे चेहरे पे भी नजर आए. अच्छी बात. छोड़ दिया उनको. अच्छी गेंद. अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए. इस बार एक रन पूरा. एक रन लेने वाले थे रोहित लेकिन अतुल ने उनको रोका. एक अच्छी सोच वहां पे पार्टनरशिप बनाने की कोशिश. 20 रन ऑन स्कोर कार्ड. अच्छी गेंद गेंद को समझ नहीं पाए रोहित. गेंद जाती सीधा विकेट कीपर के हाथ में. एक पार्टनरशिप की जरूरत वहां पे पीटीसी की टीम को. अच्छा ओवर जाता हुआ फील्डिंग टीम को. डच बैंक की टीम केवल एक रन इस ओवर से और एक विकेट छक्का. काबिले तारीफ गेंदबाजी यहाँ पे गेंदबाज विश्व रंजन साहू की. चार ओवर का खेल समाप्त हुआ. स्कोर कार्ड पे 20 रन विकेट गवाए दो. और आए पांच ओवर लेके गेंदबाज
इस बार अच्छी गए नितेश कौशिक की अतुल भागवत के लिए लेकिन लाइन और लेन पे डाली हुई है गेंद
आक्रमक बनाए पीटीसी की टीम ने। इस ओवर में दो वाइड बॉल गेंदबाज विश्वरंजन साहू ने, लेकिन अब तक बैट की सहायता से कोई रन निकालने में सफल नहीं हुए बल्लेबाज। एक बार अच्छी गेंद और इस ओवर की दो गेंदों से चार ओवर का चार बॉल का खेल होता है, तो अंपायर दोनों के बीच में सिग्नल देते हैं अपने गेंदों से। बॉलर ने छह ओवर के बाद स्कोर पार पे बने 24 रन, दो विकेट गया। अब नए गेंदबाज राकेश गेंदबाजी की बिग बैंग की टीम ने। और वाइड गेंद 25 रन। अच्छा शॉट यहाँ पे चार रन मिलते हुए चौका आता हुआ छोटी छोटी टीम के खाते में और 29 रन। इस बार बल्ले का अच्छा इस्तेमाल, अतुल भागवत की बैट से निकलता हुआ ये स्ट्रोक, उनको सहयोगी यहाँ पे बताते हुए अच्छे बल्लेबाज, लेकिन अब तक रोक के रखा है उनको।
रेड बैंक की टीम के गेंदबाजों ने, देखते आगे कैसे खेलते हैं। तो यहाँ पे खेल समाप्त हुआ, स्कोर कार्ड पे लगे 21 रन इस ओवर से आए 7 रन। Yeah.
नेम क्या है? राकेश। राकेश नौ ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका 42 रन 42 रन लॉस ऑफ टू विकेट्स 42 रन विद द लॉस ऑफ टू विकेट्स बॉलर्स ने प्लीज ऑफ स्टंप के काफी बाहर बॉल थी और अंपायर का व्हाइट का इशारा व्हाइट से शुरुआत किया है आदित्य ने अपना ओवर एक अतिरिक्त दाव स्क्वायर लेग की दिशा में उसको खेल दिया है बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ और एक चार रन बहुत ही खूबसूरत शॉट अतुल भागवत द्वारा चार रन एक बॉल में पांच रन आ चुके हैं अभी तक अदीप के बॉलिंग में पहला बॉल व्हाइट करार दिया गया था अंपायर ने दूसरे बॉल पे चौका आ गया स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन
बीट कर दिया है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। 47 एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी और अंपायर ने उसे आउट करा दिया है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नजर है आदित्य द्वारा। हालांकि पहला बॉल वाइड डाला था, दूसरे बॉल पे चौका आ गया था, तीसरा बॉल डॉट, चौथे बॉल पे विकेट। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नजर है यहाँ पे आदित्य द्वारा, जो की कप्तान है टेस्ट टीम की। और ये अतुल देवनिन की तरफ जाते हुए एलबीडब्ल्यू बाय आदित्य। अगले मैच पर जो जा रहे हैं शमशेर सिंह, पीटीसी टीम के शमशेर सिंह। अगले बैट्समैन है शमशेर सिंह, सामना करेंगे आदित्य का। देखते हैं शमशेर सिंह अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। 47 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, 47 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट। अगली गेंद आदित्य के शमशेर के लिए। फूल कर दिया है उसको पहले की दिशा में, देखते हैं फील्डर रोक पाते हैं। अच्छी तरह से फील्डिंग की उन्होंने, भाग के 2 रन पूरे कर दिए शमशेर सिंह ने। रन में बढ़ोतरी होते हुए 2 रन से बहुत ही शॉर्ट बॉल डाला था, 49 रन। पूरी तरह से उसका फायदा नहीं उठा सके, हालांकि वहां पे अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। और एक फुल शॉट कर दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर जब तक आता है आसानी से एक रन पूरा कर लिया है शमशेर द्वारा। इसी तरह से पीटीसी टीम के 50 रन पूरे हो गए, पीटी से 50 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट। स्ट्राइक पर होंगे रोहित कोकाटे। इस ओवर की आखिरी गेंद खेल रहे उसको पॉइंट की दिशा में, रन लेना चाहते थे लेकिन नहीं, डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 50 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट। 10 ओवर के बाद स्कोर है 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगले गेंदबाज है पेविलियन से आ रहे साहिल, अंपायर का 22 का इशारा। स्ट्राइक पर होंगे रोहित, स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन।
मदद करना चाहते थे उसको, बीट हो गए। अंपायर का नो बॉल का इशारा यहाँ पे। देखते हैं शमशेर सिंह इस फ्री हिट का फायदा उठा पाते या नहीं। अंपायर का फ्री हिट का इशारा, देखते हैं अभी इस गेंद पे कितने रन आते हैं। थर्ड बैंक की दिशा की ऊपर से खेल दिया उसको, चार रन के लिए बहुत ही अच्छे शॉट, अच्छा फायदा उठाया है शमशेर सिंह ने अपने टीम के लिए, चार रन बटोरे हैं। एक रन भाग्य चुरा लिया का सौदर मिस फील्ड, लेकिन रनआउट के रनआउट का चांस बनता हुआ, अगर वो डायरेक्ट हिट होता था रनआउट का चांस बन सकता था। भाग्य दो रन पूरे कर लिए हैं शमशेर सिंह ने। थर्ड मैन की दिशा में उसको खेल दिया है बॉल, बॉल एक तरफ थपते हुए, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग उधर फील्डर द्वारा। बाद के तीसरे रन के लिए दौड़े, देख सकते हैं रनआउट का चांस हो सकता है कि नहीं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अंपायर का बाइस का इशारा। अंपायर चेक कर रहे हैं बॉल रही है या नहीं। तीन रन, तीन तीन रन का इजाफा पीटीसी के लिए। आगे आकर खेलने की कोशिश, स्टंपिंग का चांस वहां मिस करते हुए विकेट कीपर। खेल दें उसको कवस की दिशा में एक रन के लिए रोहित द्वारा। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 63 रन आफ्टर 11 ओवर 63 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट। इस ओवर में 11 रन आते हुए बहुत ही बढ़िया ओवर रहा पीटीसी के लिए। अगले बॉलर अधिक माउंटेन से आते हुए पहले बुलडॉग, और ये रोहित एलबीडब्ल्यू करार दिया गया है अंपायर द्वारा। बहुत ही अच्छी बॉलिंग वहां अधिक द्वारा। बैट्समैन ने ब्लिट्स शरद, रोहित एलबीडब्ल्यू ऊपर फेवरेट में जाते हुए बहुत ही अच्छी बॉलिंग वहां पे आदित्य द्वारा। चार विकेट के नुकसान पर स्कोर हो गया है 63 रन, चार विकेट के नुकसान। आदित की अगली गेंद
खेल दिया है इसको कवच की दिशा में एक रन के लिए, अपना खाता खोला है शरद ने। स्ट्राइक पर होंगे शमशेर से, खेल दिया इसको फाइनल की दिशा में एक रन के लिए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नजारा यहाँ आदि द्वारा, बीट कर दिया उसको। बहुत ही अच्छी बॉलिंग अब तक डाली आदित ने। और एक बॉल पे बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नजारा यहाँ आदित द्वारा। 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया है 65 रन्स विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 12 ओवर की समाप्ति के बाद उठा के खेल दे उसको मिड ऑफ की दिशा में दो रनों के लिए शमशेर द्वारा। सांस लेने की जरूरत है अभी भी किसी टीम के लिए। और एक डॉट बॉल साहिल द्वारा, बहुत ही अच्छे तरीके से खेला उसके मिड विकेट की दिशा में। बहुत ही सुंदर फील्डिंग वहां फील्डर द्वारा, भाग के दो रन पूरे कर दिए हैं शमशेर सिंह ने। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे, अपने टीम के लिए दो रन बचाए उसने। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अगले गेंद साहिल के फेस करेंगे शमशेर सिंह। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया है 70 रन आफ्टर 13 ओवर 70 रन 7-0 विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 13 ओवर 70 रन विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 13 एक बार फिर से माउंटेन एंड से आ रहे आदित। उसको लेग साइड की दिशा में एक रन के लिए एलबीडब्ल्यू के अपील वहां पे अंपायर ने उसको खारिज कर दिया है। लेग साइड के बाहर बॉल थे। Come on!
और ये बाउंड्री फील्डर द्वारा मिसफील स्कोर पहुंचता हुआ
पेशरर ने बहुत बढ़िया अटैक करते हुए सिंगल चुराने की कोशिश की, बहुत बढ़िया फील्डिंग। यहाँ पे लंबा शॉट शरद द्वारा, देखना है कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये बीएसएनएल चौका, ग्रीन चौका। यहाँ पे बहुत बढ़िया बैटिंग शरद द्वारा, बहुत बढ़िया शॉट शमशेर सिंह का, हवा में देखता है क्या छूटे है कि नहीं, नो मैन्स लैंड, और बड़ी स्फूर्ति से दो रन चुरा लिए। जाता है क्या नहीं, नो मैन्स लैंड, रन का कंफ्यूजन, फील्डर कुड नॉट टच द बॉल। बहुत बढ़िया बैटिंग, और पीटीसी का एक और विकेट गिरता हुआ शमशेर सिंह के रूप में, उठा के खेलने की कोशिश की थी उसे, बॉर्डर लाइन के बाहर भेजना चाहते थे गेंद को, लेकिन टॉप पेज लग के विकेट कीपर के तप्पड़ों में, बहुत ही अच्छा कैच हुआ है। और एक विकेट साहिल को, स्कोर बढ़ता हुआ 97 रन विद लॉस ऑफ 5 विकेट। अगले बैट्समैन जा रहे हैं पंकज पाविस्कर, देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं।
लास्ट के दो ओवर बचे हैं। करोगे शरद, सामना करेंगे साहिल का। डॉट बॉल 17 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 97 रन। 17 ओवर के बाद 97 रन 17 ओवर। लॉस ऑफ 5 विकेट। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नजर हुआ साहिल द्वारा, आपने टीम के लिए एक विकेट लिया उन्होंने। माउंटेन एंड से आ रहे कस्तूरी। लास्ट के 3 ओवर है, देखते हैं पीटीसी टीम अपने टीम के लिए कितना रन जुटा पाएंगी। मैं इस लास्ट 3 ओवर में फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली करते हुए कप्तान अधिक माउंटेन एंड से कस्तूरी और सब के बाहर का बॉल खेल दिया उसको थर्ड बैंक की दिशा में, देखते हैं फील्डर उसे रोक पाते हैं नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग लेकिन मिस फील्ड द्वारा 4 रन उन्होंने दिए हैं पीटीसी टीम के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। पंकज ने अपने पहले ही बॉल फेस किया था 4 रनों के लिए, 4 रनों से अपना खाता खोला है पीटीसी टीम के। 101 रन 100 रन पूरे। हल्के हाथों से खेल रहे उसको कवर की दिशा में, बाकी 1 रन पूरा और है 2 ओवर की कोशिश और बहुत ही अच्छी तरीके से रनिंग कर रहे हैं वहां पे सोना बैट्समैन। 3 रन पूरे करे हो कर दिए उधर आसानी से, स्कोर बढ़ता हुआ 104 रन। 104 रन 5 विकेट की नुकसान पर पीटीसी टीम धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने स्कोर के ऊपर। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। फुल टॉस ले लिया उसको मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए, हालांकि उसका फायदा नहीं उठा सके और 1 रन ओवर थ्रो के द्वारा 2 रन, जहां 1 रन हो सकता है वहां 2 रन मिल गए पीटीसी टीम को। बहुत ही खराब फील्डिंग का नजर आ वहां पे। और लेग बाइस के स्वर पे 1 रन आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन 5 विकेट की नुकसान पर। अगली गेंद कस्तूरी की, सामना करेंगे पंकज हमारे सहयोगी संदीप जगताप पीछे जाते हुए। उठा के मारने की कोशिश की थी वहां पे 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 108 रन 5 विकेट के नुकसान पर 108 रन 108। अगली गेंद कस्तूरी की, और एक फुलटॉस गेंद, 2 बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, एक और एक अतिरिक्त रन बढ़ता हुआ स्कोर में। 3 का इशारा, देखते इसका फायदा उठा पाते हैं नहीं।
स्ट्राइकर हो गए शरद, देखते किस प्रकार की शॉट करते इस बॉल पे। और एक टॉस बॉल खेल रहे उसको थर्ड पॉइंट के ऊपर से भागते हुए दो रन पूरा करने चाहते थे लेकिन रन आउट। और एक नो बॉल फ्री हिट पर करार, हालांकि वहां भागने की जरूरत नहीं थी, नो बॉल था फिर भी भागे और रन आउट हो चुके हैं पंकज पवेलियन लौटते हुए। अगले बैट्समैन, बैट्समैन नेम प्लीज, प्रकाश शक्तिकर, प्रकाश शक्तिकर। स्कोर हो चुका है 111 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 111 ट्रिपल वन 6 विकेट के नुकसान पर। नए बैट्समैन होंगे प्रकाश, फेस करेंगे फ्री हिट बॉल। बहुत ही अच्छा बॉल, ओवर की समाप्ति 18 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका 111 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लास्ट दो ओवर बचे हमें इस गेम में, देखते हैं पीटी सिटी में कितने रन स्कोर करती है।
सेकंड केदार केदार Thank you.
Thank you.
आराम से रहती शबाश कूल कूल मैं क्या चाहेगा देख चालू रे ग्रीन लाइट चालू ना आमची विचार मारले विचार का Okay.
सतत मुकाबला नहीं सर
Yeah.
Yeah.
बहुत बढ़िया वाइड है, बहुत बढ़िया वाइड है, एक आगे एक्स्ट्रा
Thank you.
नाही रे Thank you.
लागली ती चांगला स्कोर आहे भाई 3 ओव्हर में 36 37 3 ओव्हर 3 ओव्हर 3 18 बॉल 18 मारो मारो Come on, Mayer!
भाई 11 पे 30 Samir Are good on the pula good on karna ha gaadi launa kedar tujha mobile ikade sobat hai na hello mobile sobat hai na अरे मोबाईल सोबत आहे का तुझा माझा हां मोबाईल पाहिजे तुला हो काय कर चालू कर आणि एच 904 सर्च कर जा एच गाडी लाव किती वर राहिलं रे हां सर सर्च करतोय का आले का शॉट 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 चलो हाई शॉट या भागो 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 रन का रन यार रन अरे चलो चलो आले समीर Thank you.
कॉर्पोरेट टाइप आहे पोलीस सारखा तो सकाळी येतो 9 वाजता रात्री 10 पर्यंत काम करतो ¿Qué es lo que está pasando?